लॉर्ड्स के मैदान में वेस्टइंडीज को मात देकर भारतीय टीम वर्ल्ड कप चैंपियन बनी तो कपिल देव की ये तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। मगर टीम इंडिया को लॉर्ड्स का टिकट मिल ही नहीं पाता अगर उस टीम के ऑलराउंडर रोजर बिन्नी ने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जरूरी लीग मैच में अपने हरफन मौला खेल से ऑस्ट्रेलिया को नाको चने न चबवा दिए होते। 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक अहम मुकाबले में भारत का ऑस्ट्रेलिया से मैच था। 60 ओवरों के उस मैच में भारत ने 247 रनों का लक्ष्य दिया जिसमें रोजर बिन्नी के 21 रन शामिल हैं। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने मजबूत शुरुआत की मगर तभी कपिल देव ने गेंदबाजी की कमान रोजर बिन्नी को सौंप दी। बिन्नी ने 8 ओवरों में 29 रन देकर 4 विकेट लिए जिसमें ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बल्लेबाज ग्राहम वुड, ग्राहम येलॉप, कप्तान डेविड हुक्स और टॉम होगान शामिल थे। बिन्नी के दिए गए जख्मों से ऑस्ट्रेलिया कभी उबर नहीं पाई और भारत ने वो मैच 117 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। रोजर बिन्नी 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। उनके खाते में 18 विकेट आए थे। शानदार करियर, जानदार क्रिकेटर। बतौर क्रिकेटर रोजर बिन्नी का करियर बड़ा शानदार रहा। 1979 से 87 के दौरान रोजर बिन्नी ने भारत के लिए 27 टेस्ट और 72 वनडे इंटरनेशनल मैचों में हिस्सा लिया। 1979 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बंगलुरु टेस्ट के जरिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। बिन्नी ने टेस्ट करियर में 3.63 के औसत से 47 विकेट लिए, वहीं वनडे इंटरनेशनल में उनके नाम पर 29.35 के एवरेज से 77 विकेट दर्ज हैं। बिन्नी के नाम पर टेस्ट में 830 और वनडे इंटरनेशनल में 629 रन भी दर्ज हैं। बेहतरीन कोच। बिन्नी क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी कई भूमिकाओं में क्रिकेट से जुड़े रहे। बिन्नी ने अंडर 19 टीम के कोच के तौर पर भी भूमिका निभाई थी। साल 2000 में मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह जैसे सितारों से सजी अंडर 19 वाली जो टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन बनी थी उसके कोच बिन्नी ही थे। बिन्नी को इन खिलाड़ियों को निखारने का श्रेय दिया जाता है। यही वजह है कि मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह जैसे सितारे अपनी कामयाबी का श्रेय रोजर बिन्नी को देना नहीं भूलते। विवादित चयनकर्ता। बतौर क्रिकेटर और कोच कामयाब रहने वाले रोजर बिन्नी एक सेलेक्टर के तौर पर विवादों से घिरे रहे। रोजर बिन्नी के चयनकर्ता रहते हुए ही साल 2014 में उनके बेटे स्टुअर्ट बिन्नी को टीम इंडिया के लिए चुना गया था। उस वक्त बिन्नी पर हितों के टकराव को लेकर भी काफी आरोप लगाए गए थे। हालांकि इन आरोपों को नकारते हुए उन्होंने कहा था कि उनके बेटे का चयन पूरी तरह से फॉर्म को देखकर हुआ है। सफाई देते हुए रोजर बिन्नी ने उस वक्त कहा था कि जब मीटिंग में उनके बेटे के नाम पर चर्चा होती थी तो वो रूम से बाहर चले जाते थे। उन्होंने बेटे के चयन के लिए कभी किसी पर दबाव नहीं बनाया था। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बतौर बीसीसीआई प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी क्या कमाल दिखा पाते हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और क्रिकेट जगत की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।